शंकर के मोती। जीव स्वयं अविनाशी होकर भगवान को अपना मानता है, यह कितनी बड़ी भूल है। जाने हुए असत का त्याग करना है। आप स्वयं बालक, जवान, रोगी, निर्धन आदि नहीं होते, आप तो इनको जानने वाले हैं। जैसे मृत्यु के समय एक आघात लगता है जिससे आप पूर्व जन्म को भूल जाते हैं, ऐसा आघात बालकपन जाने पर नहीं लगता, इसलिए आप उसे भूले नहीं। नया उद्योग कुछ नहीं करना है, जो निवृत्त है उसी की निवृत्ति करनी है और जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति करनी है। भगवान को अपना मानने में अभ्यास नहीं है। विवाह के बाद नए घर को अपना मानने में लड़की को अभ्यास नहीं करना पड़ता। अभ्यास से नई स्थिति बनती है, बोध नहीं होता। हम भगवान के हैं इतनी बात मान लो तो बेड़ा पार है। अभी ऐसा मान लो कि हम भगवान के हैं, फिर अपने आप देखने लग जाएगा, क्योंकि यह सही बात है। शरणागति संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है। गीता के अंत में भी भगवान ने शरणागति की बात कही है और इसे सर्वगुह्यतम बताया है। भक्त का उद्धार करके भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। शरण में जाना भक्त का काम है, उद्धार करना भगवान का काम है, और प्रेम करना भक्त व भगवान दोनों का काम है। शरण लेने का काम भगवान का नहीं है। भगवान ने अपने कल्याण के लिए जीव को स्वतंत्रता दी है। शरण होकर जीव निश्चिंत, निशोक, निर्भय और निशंक हो जाता है। शरण होना गीता का अंतिम सिद्धांत है। शरणागति गीता भर की सार बात है। जब तक अपने बल, बुद्धि, विद्या, धन आदि का आशय रहता है, तब तक असली शरणागति नहीं होती। गुरु की प्रसन्नता से विद्या सफल होती है और प्रसन्नता ना होने से विद्या विफल होती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे सुने हैं। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि वह गुरु की सेवा करे, उनकी आज्ञा माने और उनकी प्रसन्नता ले। गुरु की आज्ञा का पालन करना एक नंबर की सेवा है। आज्ञा पालन से गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों की बुद्धि कमजोर हो यह मैं नहीं मानता। वास्तविक बात यह है कि वे परिश्रम नहीं करते। वे परिश्रम करें तो गुरु भी प्रसन्न होंगे और माता पिता भी। विद्यार्थी को केवल बुद्धि बल ही नहीं, प्रत्युत मनोबल, शरीर बल आदि सभी बल बढ़ाने चाहिए। उसे व्रत उपवास से शरीर को क्रश नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को अपनी विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। मैं जानकार हूँ, ऐसा अभिमान होने से जानना बंद हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है मनुष्य जीवन का समय। महिमा वस्तु की नहीं है, प्रत्युत वस्तु के उपयोग की है। मनुष्य शरीर के सदुपयोग की महिमा है। इसके सदुपयोग से सर्वश्रेष्ठ परम प्रेम की प्राप्ति हो सकती है और दुरुपयोग से नरकों की भी प्राप्ति हो सकती है। सदुपयोग से भी ज़्यादा महिमा है दुरुपयोग ना करें। विहित कर्म करने की अपेक्षा भी निषिद्ध कर्मों का त्याग विशेष है। निषिद्ध आचरण करते हुए विहित कर्म करने पर भी विशेष लाभ नहीं होता जैसा कि होना चाहिए। निषिद्ध कर्मों के होने में कारण है कामना। कामना के कारण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर बैठता है, ऐसा गीता में कहा गया है 3 में। निषिद्ध आचरण करने वाला साधक नहीं कहलाता, प्रत्युत संसारी कहलाता है। प्रत्येक कार्य करते समय यह ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य क्या है। हम मुक्ति के लिए करते हैं या बंधन के लिए, हम क्या चाहते हैं। अपनी चाहना मत रखो, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, मेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। कामना पूर्ति में समय लगाना समय का दुरुपयोग है। अनुकूलता की इच्छा पतन करने वाली है। मिलने वाली अनुकूलता तो मिलेगी ही, अनुकूलता आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। आपकी अनुकूलता की इच्छा के अधीन तो पतन है। मनुष्य वर्तमान को देखता है और भूत भविष्य की चिंता करता है। चिंता उसकी करता है जो भी है नहीं। वर्तमान को ठीक बनाओ, वर्तमान ठीक होगा तो भूत भी ठीक हो जाएगा, भविष्य भी, क्योंकि भविष्य भी वर्तमान का ही फल है।
करने योग्य कर्म न करने से और न करने योग्य कर्म करने से दुख होता है। अतः ऐसा कर्म करें जिसमें अभी भी हित हो और परिणाम में भी हमारा हित हो और दूसरों का भी। दूसरों को दिया गया दुख कई गुना होकर मिलेगा, क्योंकि यह मनुष्य शरीर खेत है। किसी के अहित की भावना करना अपने अहित को निमंत्रण देना है। मनुष्य शरीर अपने उद्धार के लिए मिला है, अतः जो देश काल परिस्थिति आदि मिली है उसी में परमात्म प्राप्ति हो सकती है। हर एक मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, केवल अपनी इच्छा होनी चाहिए। सच्ची लगन हो तो भगवान सहायता करते हैं। जैसे कोई साधक किसी जगह अटका है, छोड़ना नहीं चाहता, उसे भगवान वह जगह छुड़ा देते हैं। जहाँ से लाभ भी ना हो और छोड़ना भी ना चाहे, उसके सामने ऐसी परिस्थिति रखते हैं कि उसे भगवान कि उसे छोड़ना ही पड़ता है। भगवान का मनुष्य शरीर से पक्षपात है।